हनुमान मंदिर से नकदी सहित आभूषण चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार। रात्रि विश्राम के बहाने मंदिर में रेकी कर चोरी वारदात को दिया था अंजाम। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के भटनावर चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम सेवा खेड़ी के हनुमान मंदिर से चांदी की जेवरात सहित नकदी चोरी कर ले भागे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपी रात्रि विश्राम की कहकर मंदिर की रेकी करने आया था और रात में समय मंदिर में रखे आभूषण सहित नकदी से चोरी कर ले गया। मंदिर के पुजारी प्रहलाद त्यागी पुत्र रामचंद्र की शिकायत पर पोहरी थाना पुलिस ने नामजद चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी थी। पोहरी एसडी ओपी सुजीत सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरी कर भागे आरोपी मुकेश पुत्र सिरमौर आदिवासी 40 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया हुआ चांदी के आभूषण, चांदी का मुकुट, कलंगी, चांदी के कान के कुंडल, चांदी का हार, चांदी के कड़े, एक की पैड मोबाइल एवं नकदी 75,500 रुपए जब्त कर लिए हैं। पोरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। एफआईआर कराई गई थी जो मंदिर है, मंदिर के पुजारी द्वारा, कि उनके यहाँ एक अज्ञात व्यक्ति जो आया था, जिसने अपना नाम बताया था, उसने वहाँ 2-3 दिन रह के उसने मंदिर की रेकी की है और उसके बाद वहाँ जो मंदिर की जो तिजोरी थी उसमें चांदी के जो आभूषण थे और साथ में 90,000 कैश जो उनके पास तिजोरी में सुरक्षित था उसको ले गया था। इसको लेकर भटनावर चौकी प्रभारी पूजा गुरैया और उनकी टीम को लगाया गया था, तो इनकी टीम ने उसमें सफलता अर्जित की है। उस व्यक्ति को पकड़ा गया है। उस व्यक्ति से अभी वर्तमान में 75,000 रुपये नकद जब्त किए गए हैं। इसके साथ 40,000 रुपये की जो चांदी है वो भी जब्त की गई है और उससे पूछताछ की जा रही है कि ऐसी कोई दुर्घटना उसने आसपास क्षेत्र में की है कि नहीं की। क्या सर, वो आवेदन अपराधी था क्या? हाँ सर, उससे पूछताछ में पता चला है कि मुरैना में भी ऐसे मंदिर की चोरियों वोरियों को लेकर उसे पकड़ा गया है। उसका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड और उसने कहाँ कहाँ ऐसी घटनाएँ की हैं, उससे पूछताछ की जा रही है।